माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, नजर नहीं टिक रही इसके ऊपर, है ना? लग रही है ना प्यारी? मैंने कहा था इसको ये ड्रेस पहनने का, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इससे जिद करके थोड़ा बहुत मेकअप करवाया, कुछ मेकअप नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा किया आपने मेकअप करवा दिया, मेकअप के बाद तो वैसे भी हर कोई अच्छा लगता है। जैसे कि तुम आपको तो मुझसे ना अल्लाह वास्ते का बैर है शहू। बात यह कि हमारी गुल ने कभी मेकअप किया ही नहीं, इसलिए जब भी सजती संवरती है बहुत प्यारी लगती है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह मेरी बेटी जैसा ससुराल तो सब बेटियों को दे, आमीन। लेकिन फातिमा ये ससुराल नहीं है इसका, इसका अपना घर है। अल्लाह ताला ने हमें दो बेटों के बाद दो बेटियां भी दी हैं, माशाल्लाह। जीती रहो। अब ये तो बताएं आंटी, आप सबको खाना कैसा लगा? बेटा सब कुछ बहुत मजे का था, जब ही तो सब कुछ चट कर गए। हाँ ये लो तुम्हारा इनाम। अंकल इसकी क्या जरूरत है, मुझे बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। दुआएं जरूरी हैं लेकिन ये भी जरूरी है। लो ना। थैंक यू। थैंक यू नहीं, आदाब करते हैं। आदाब। भाई सब काम हो गए? हाँ मैं थक गई हूँ बहुत, सोने जा रही हूँ। बेगम साहिबा आ जाएं फिर चली जाना, उन्हें सोने से पहले भी बहुत से काम करवाने होते हैं। मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होंगे। मर्जी है तुम्हारी, मगर खाना यहीं से खा के जाना, मैं तुम्हारे लिए ट्रे सजा के नहीं ला सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ड्यूटी तो मैंने अपने कमरे में लगाई थी। क्या गूंगी हो गई हो, बहरी हो गई हो, जवाब तो दो। जी सुन लिया ना, अब मेरे लिए कॉफी बनाओ और कमरे में लेके आओ। वो कॉफी बनानी आती भी है तुम्हें कि नहीं? जी जी आती है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पैरों का मसाज करना होगा। कुलसुम इसको जरा तरीकेकार बता देना और सारी चीजों के साथ भेजना, क्रीम टॉवल सब कुछ। जी बेगम साहब। और इसका नाम क्या है, नाम तो तुमने बताया नहीं अपना। जी वो रोशन। रोशन? जी जी वही। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी से कॉफी लेके आओ। अब क्या मुझे अपना नाम भी बदलना पड़ेगा? तुमने उन्हें मेरा असली नाम क्यों नहीं बताया? तो तुम बता देती। अच्छा अच्छा कॉफी बना देना, बहुत डांटेगी वो, और उनके पैरों की मसाज भी सही से कर देना।